बच्चों का भी बहुत थैंकफुल हूं कि आप धूप में खड़े हो, ठीक है। और जो आपकी मकसद है कि जो अभी 1 अक्टूबर को पोलिंग होने जा रही है, हमने हर उस वोटर के पास पहुंचना है जिसको वोटिंग का राइट है। और कोई भी ऐसा वोटर जिसको वोटिंग का राइट है वो छूटना नहीं चाहिए। और वोटिंग एक ऐसा राइट हम सब इंडियंस के लिए है जो हमें अपनी सरकार चुनने के लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो स्वीप का यही मकसद है कि हमें वोटर्स को अवेयर करना है ताकि वो वोटिंग करें, ठीक है। वो वोटिंग के लिए बाहर निकले, उसको छुट्टी का दिन ना बनाए। तो अब आप में से जितने बच्चे हैं, मुझे लगता है किसी को भी वोटिंग का राइट नहीं है ना, तो भी हमने एक्टिविटी यहां रखी। हमने एक्टिविटी क्यों रखी, उसके दो रीजन है। एक रीजन उसका ये है कि आप सब फ्यूचर वोटर्स हो, विद इन 2 या 3 ईयर्स बहुत सारे बच्चों को वोटिंग का राइट मिल जाएगा। दूसरा बेटा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है किसी भी अवेयरनेस को सोसाइटी में ले जाने के लिए। तो जितनी जल्दी से बात बच्चे फैलाते हैं, मुझे लगता है और कोई माध्यम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी धूप है तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन आपका क्या रोल रहेगा 1 अक्टूबर को? हालांकि आपने वोटिंग नहीं करनी उस दिन, लेकिन आपका रोल ये रहेगा हम सबकी फैमिली में 2, 3, 4, 5, ठीक है, जहां उससे ज्यादा वोटर्स होंगे, तो आपने इंश्योर करना है कि उनसे वोटिंग करवानी। शॉर्ट नोटिस के ऊपर इन्फॉर्म किया, तो ये मतलब जितना कम से कम समय में आ सकते थे यहाँ आए आप लोगों के बीच में, ठीक है, हमारे मीडिया कवरेज, क्योंकि बेटा एजुकेशन एक साधन है तो मीडिया जो है दूसरा साधन है। तो मुझे लगता है कि 10-15% वोटिंग हमारी इससे इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इतने से बच्चों। थैंक यू वेरी मच, इस विषय पर आज हम सबको जागरूक किया, और आपकी ये आज का जो प्रयास है इसको हम पूरी तन्मयता, एलिजिबल वोटर्स हैं, और मैं भी एक लोग स्लोगन पढ़ रहा था, ग्रेटर वर्ल्ड की वो स्ट्रांग होगी, सो इट्स आवर ड्यूटी टू मेक आवर डेमोक्रेसी स्ट्रांग बाय पार्टिसिपेटिंग एंड बाय एनकरेजिंग अदर्स टू टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। तो अभी I would like to request Madam Principal Mrs. Pallavi Hans to please come forward, और जो आज हमें ओर दी गई है। We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, uphold traditions. आज आपने क्या एक्टिविटी की? मेरा नाम नाजिया सैनी है और मैं लर्निंग टेम्पल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि 1 अक्टूबर को हमारे जम्मू कश्मीर में वोट डलेंगे, और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज वोट डालने जरूर आए और अपना योगदान जरूर दे। हमारी सरकार ने सभी के लिए बहुत से डाले हैं, और वो उसको जैसे कि जो हमारे हैंडीकैप उनके लिए व्हीलचेयर्स रखी हुई है, वुमेन्स के लिए अलग से रखा हुआ है और मेंस के लिए अलग से। और आपसे यही निवेदन है कि अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के वोट डालने जरूर जाएं। हमारी सरकार आपके लिए बहुत कुछ करती है, और अपनी सरकार को आगे और इस देश को विकसित करने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सिमरन है और मैं लर्निंग टेम्पल स्कूल से हूँ। मैं आज आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपका वोट बहुत ही जरूरी है, और प्लीज आप अपने घरों से निकलिए और वोट देने जरूर जाइए। आज हमारे स्कूल में भी एक स्वीप की तरफ से प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने प्लेज ली, और अभी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी हो रहा है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप
वो दिन को आप एक छुट्टी ना समझें और वोट देने जाएं, क्योंकि आपका वोट बहुत ही कीमती है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दिलछंदा खानम और मैं लर्निंग टेंपल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 अक्टूबर को हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग होने जा रही है, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सभी लोग वोट दें। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बड़ी ज़्यादा सुविधाएं बनाई हैं, जैसे कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर, और जो ओल्ड एज हैं उनके लिए एक अलग से लाइन। तो मैं दोबारा आपके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 1 अक्टूबर को वोट दें। थैंक यू। हम आपको, मैं नरेश कुमार लर्निंग टेम्पल से, नमस्कार। और जैसा कि हम सब जानते हैं, समय पूरे जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में स्वीप के अंडर जो एक सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का जो एक विंग है, जिसके तहत आम जनता को, भारत के निवासियों को जागरूक किया जाता है कि वोटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी वोट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, और किस तरह से हमारी जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन है दैट विल कम इनटू अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो भारत जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व की, और उसमें हम जो भारतवासी हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो जिस दिन वोटिंग होनी है, जैसे अभी हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3rd फेज में कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटिंग है 1 तारीख को, अक्टूबर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर माननीय श्री जितेंद्र सेठी सर, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी से और नोडल ऑफिसर हैं इस पूरे कार्यक्रम के स्वीप के अंडर, और वो आए, उनकी टीम आई, और यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज हमने की, जिसमें लगभग 150 बच्चे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे 9th-10th क्लास के और 8th क्लास को भी शामिल किया गया। इन्होंने पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में पहले पार्टिसिपेट किया, उसके बाद फिर एक ह्यूमन चेन स्वीप को प्रमोट करने के लिए, स्वीप का जो गोल है, जो एम है, उसको प्रमोट करने के लिए वो एक इंसिग्निया बनाया गया बच्चों का द्वारा, और उसके बाद फिर सर द्वारा एड्रेस हुआ, बच्चों को इम्पोर्टेंस बताई गई, प्लेज ली गई कि हम भारत के नागरिक होने के नाते, चाहे अभी ये बच्चे हैं, इनको अभी 18 साल से छोटे हैं, वोट डालने का तो अधिकार नहीं, लेकिन अपने परिवार में, अपने घर में जाकर ये सबको जागरूक करेंगे, अपने मोहल्ले में अपने नेबरर्स को, रिलेटिव्स को जागरूक करेंगे कि सब जो एलिजिबल वोटर्स हैं 18 साल की आयु या उससे ऊपर की आयु वाले, वो अपने घरों से निकलेंगे 1 तारीख को और बूथ पर जाकर, अपने नियर बाय जो उनका बूथ है वहां जाकर वोट कास्ट करेंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। अभी फेज 2 में भी देखा हमने, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अब आने वाला जो लास्ट फेज है हमारे जम्मू कश्मीर में वोटिंग का, वोट का, जो इलेक्शंस का, उसमें सबकी पार्टिसिपेशन हो। मैं यहाँ अपनी पूरी टीम लर्निंग टेंपल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल कठुआ से की मैनेजमेंट की ओर से सबसे गुजारिश करूंगा कि हम सब घरों से बाहर निकलें और 1 तारीख को जो अपनी ईवीएम मशीन पे अपना नेता चुने और एक मजबूत सरकार बनाएं। अगर सरकार मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, और ऑब्वियस है हमारा भविष्य भी मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद।